तो इसमें तुमने पेरी पेरी फ्राइज भी बनाई है? नहीं, इतना मैंने अब यहाँ पे मैक भी नहीं खोला। ध्वनि, तू लेटी हुई है, मम्मी तो कह रही थी कि तू शॉवर लेने गई हुई है। ध्वनि की रिएक्शन देख, काला सुनते ही इसका तो दिमाग घूम गया। देखो इसना होमवर्क का तो तब पता चलेगा जब एक्चुअल में टीचर बताएगी कि होमवर्क सारा कर लिया है। अच्छा, क्योंकि बच्चे कई बार अपने मम्मी पापा से झूठ भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और फ्रेंड देखो, मम्मी सुबह सुबह मतलब क्या क्या बनाने लग गई हैं। ये क्या कर रही है उसने, फ्रेंच फ्राइज सुबह सुबह? यस, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और क्या बना है, सैंडविच, बहुत सारी चीजें आज मैंने बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए रखी। मतलब कोई पार्टी वार्टी है क्या स्कूल में? पार्टी नहीं है, मैं पता है बहुत दिनों से ना बच्चों के लिए ना सिंपल खाना रख रही हूँ, तो बच्चों को कंप्लेंट थी, मम्मी आपने हमारे लिए इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं रखा। तो ध्वनि को बर्गर पसंद है, जिनी को बर्गर बिल्कुल नहीं पसंद है, तो जिनी जिनी के लिए रखा है फ्राइज एंड सैंडविच, एंड ध्वनि के लिए बना रही बर्गर। मुझे तो लग रहा है तुमने मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग और सब कुछ खोल दिया। यस, और ध्वनि की गर्मा गर्म टिक्कियां भी बन रही है। ध्वनि की गर्मा गर्म टिक्कियां। यस। और फ्रेंड देखो, फ्राइज तो कितनी यमी यमी लग रही हैं। तो इसने तुमने पेरी पेरी फ्राइज भी बनाई है? नहीं, इतना मैंने अब यहाँ पे मैक भी नहीं खोला, फ्राइज और आपका मैक पॉप भी बनाने बैठ जाऊं, अब मैंने इतना ही बनाया, इतना भी बहुत। सो कैन आई हैव अ मेयोनीज बर्गर? या यू कैन। ओके, और बच्चे कहाँ गए हैं? बच्चे अभी उठाए हैं, जिनी अब शावर लेने गई हुई है, ध्वनि भी अब शावर लेने जाने वाली है, तो मैं फटाफट से उनका पहले लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। और अभी हाँ देखो, बात तो बताना मैं भूल ही गई, पता है ध्वनि को ना कल फ्रूट में लेके जानी थी मठिया, अब मठी तो बनी घर पे रखी नहीं थी, तो रात को मार्केट से हम लेकर आए उसके लिए मठिया, तो ये मट्ठी उसको फ्रूट में लेके जानी है, क्योंकि मैडम जी हमारी फ्रूट खा खा के फ्रूट ब्रेक में पक गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसको स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद है, और मैं लेके भी आया था उसके लिए दो दिन पहले। पापा स्ट्रॉबेरीज लेकर आए थे, बट अब मार्केट में यहाँ कहीं पे भी स्ट्रॉबेरी अभी तुम नहीं। टेंशन मतलब आज मैं लेके आऊंगा बहुत सारी स्ट्रॉबेरी, मैं मंडी चला जाऊंगा उसके लिए लेने के लिए। मंडी चला जाऊंगा मैं लेने के लिए। तो सच है, पैक होने वाले हैं अभी, तो फ्रेंड जो खाली पड़े हुए हैं। फ्रेंड बच्चों को पता है कि तुमने बर्गर फ्राइज बनाया है? यस। उन्हें पता है, मुझे लगा कि मैं उनकी एक्साइटमेंट देखूंगा। एक्साइटमेंट तो रात से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ध्वनि बर्गर इतने टाइम बाद लेके जा रही है, मैंने बिल्कुल जंक फूड रखना बंद कर दिया था आज। वेरी गुड। हाँ, आज मैं बहुत टाइम बाद रख रही हूँ। वापिस जंक फूड आ रहा है इनके लंच बॉक्स में। A few moments later. ध्वनि, तू लेटी हुई है, मम्मी तो कह रही थी कि तू शॉवर लेने गई हुई है। मम्मा नहीं लाती है ऐशना, ये तो कंबल में बैठी हुई है, और तुम कहती है शॉवर लेने गई हुई है। 5 मिनट्स में आके नहला देंगी। ध्वनि आज की असेंबली है, तू लेट हो सकती है, तू टाइम देख ले, 6:32 हो गए हैं, जल्दी जल्दी भागो। हाँ भाई जीनी, ऑल सेट फॉर स्कूल? यस पापा, यहाँ मम्मी बना रही है छोटी इसकी पूंछ। पूंछ जिनी, तेरी पूंछ कैसी लग रही है तेरे को? छोटी है जिनी। एक बात बता, तू ध्वनि की तरह बाल लंबे क्यों नहीं कर रही? मैं कर रही हूँ, पर मेरे हो नहीं रहे, वो अलग बात है, मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा। हाँ, ये कटिंग करा के ना ट्राई कर रही है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहते हैं ना ट्रिमिंग से बाल लंबे होते हैं। हाँ, लेकिन तू ट्रिमिंग ज्यादा करा लेती है। छोटी कैसी बनाई है तुमने इसमें? छोटी है, बढ़िया बन गई है। चलो मैं ध्वनि को देखता हूँ, वो कहाँ है, मतलब वो ड्रामेबाज इतनी है, उसको देखना पड़ेगा वो कहाँ गई है। जल्दी देखो। हाँ मैडम ध्वनि, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बॉटल बॉटल से भर रही है। ये कमाल है ध्वनि तेरा, बॉटल बॉटल से भर रही है। ओ भाई, मतलब ये तेरे को ध्वनि आइडिया कैसे आया कि बॉटल को बॉटल से भर दे? वरना वेस्ट होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट बात की तुमने। और पानी चाहिएगा तो निकालो आरओ में से। स्कूल ड्रेस गीली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो फटाफट से पानी बॉटल भर के ना ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाओ। ध्वनि बेटा, आप सोफे पे या चेयर पे बैठ के शूज पहन लो, जमीन इतनी ठंडी है, दिल्ली में इतनी सर्दियां हो रही हैं, है ना। और जिनी आप क्या कर रहे हो?
लंच बॉक्स फ्रेंड्स देखो कितने सारे लंच बॉक्स लेके जाते हैं, एक रेड छोटा और एक बड़ा। ये छोटे बड़े का क्या तुम्हारा है रीजन? बड़े में आता हमारा लंच जो लंच बॉक्स है और छोटे में आता हमारा फ्रूट बॉक्स है। फ्रूट फ्रूट बॉक्स फ्रूट फ्रूट बॉक्स ये भी लेकर आई थी। क्या स्नैक्स भी जाएंगे? मैडम मुझे भी ऑफिस के लिए कुछ रख दिया करो ऐसी ऐसी चीजें। मेरे लिए तुम सांभर डोसा रख दो, एक सब्वे रख दो और कुछ बर्गर्स भी रख दो मेरे लिए ऑफिस के लिए। सेकंड बी सही है भाई। मैडम आप भी कुछ करती हो स्कूल में? वही तो पूछ रहा हूँ क्या करती हो। ओए आज आपकी असेंबली देखेगी ये। हाँ तू भी असेंबली एक दिन, मैं तो आ रही ये तो आज ही आ रही है दिसंबर में इसकी भी है दिसंबर में इसके बर्थडे वाले दिन। और फ्रेंड अगर आपको पता है इसका बर्थडे कब आता है तो कमेंट करो। ओ वाह ये तो बहुत ही अचीवमेंट है। ध्वनि ध्वनि आपका क्या है आज असेंबली में? मतलब गेस्ट आ रहे हैं गेस्ट आ रहे हैं तो फिर उसमें से आज तक की बेस्ट असेंबली चूज की है हमारी। ओए होए ये तो क्लैपिंग वाली बात है। प्रिंसिपल मैम के साथ मैडम मैडम तो जल्दी ब्रेकफास्ट करा दो इनका। हां भैया आ जाओ आज जल्दी टाइम से पहुंचना है स्कूल वरना लेट हो जाएंगे। आओ जल्दी आओ। हां भाई ब्रेकफास्ट टेबल पे बड़ी हंसी छूट रही है तुम्हारी क्या हो गया? हम ना चुस्की ले लेके पी रहे हैं। चुस्की? अरे इतनी सर्दी में चुस्की खा रहे हो? थोड़ी क्या चुस्की लेते हैं। और ध्वनि कह रही है कि ऐसे नहीं जैसे आंटियां बैठी है किडी पार्टी में। ओ भाई फ्रेंड मतलब इतनी सर्दी है तो मम्मी ने सोचा आज इनको चाय पिला दी जाए। तो चाय पी के कितना मजा आ रहा है ध्वनि? बहुत गरम गरम मजा आ रहा है। बहुत गरम गरम तेरी जीभ जल गई दिखाइए अपनी जीभ। ये तो जली हुई है बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी ने क्या दिया आपको? आलू का सैंडविच मिला। और मैंने ना इनके लिए काढ़ा टाइप की चाय बनाई है कि सुबह सुबह थोड़ा सा इन्हें सेक लगे बाहर बहुत ठंडा हो रहा है आज। ध्वनि की रिएक्शन देख काढ़ा सुनते ही इसका तो दिमाग घूम गया। चाय का नाम बदल दिया जी नहीं मतलब अब तेरे को ये सब जड़ी बूटियां सुन के तेरा मन क्या कर रहा है कि चाय पूरी खत्म कर दूं? ठीक है टेस्टी लग रही है वो टेस्टी भी लग रही है। और फ्रेंड मम्मी ना उकाली बनाती थी उकाली वो भी अच्छी थी वो भी अच्छी थी इसी में डाल दिया सारा। उकाली क्या होती है? उकाली भी हम तेरे को किस दिन पिला देंगे ब्रेकफास्ट में। दूध नहीं डालते उसे काढ़े की तरह पानी में पकाते हैं उसमें भी ये सारे मिश्रण मेरे होते हैं। अच्छा मिश्रण होते हैं तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो अब हमें निकलना है। बैठो भाई जल्दी जल्दी बैठो। तो फ्रेंड्स फाइनली हम स्कूल के लिए निकल गए हैं तो बच्चा पार्टी एक्साइटेड यस। तो सारा होमवर्क वगैरह सब डन है yes. सब सब okay. देखो इतना होमवर्क का तो तब पता चलेगा जब एक्चुअल में टीचर बताएगी कि होमवर्क सारा कर लिया है। अच्छा क्योंकि बच्चे कई बार अपने मम्मी पापा से झूठ भी बोलते हैं। हम नहीं बोलते। तुम झूठ बोल रहे? नहीं पक्का नहीं बोल रहे? थोड़ी सी पोयम पर इसका वो मंडे को टेस्ट है अभी थोड़ी ना है नेक्स्ट मंडे टेस्ट। नहीं मतलब एक बात बताओ तुम्हें मतलब कैसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे बस से जाते हैं बहुत सारे पैदल जाते हैं आप कार से जाते हो तो आपका कभी मन नहीं करता कि आप भी बस से जाया करो? बिल्कुल नहीं करता हम अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं। हाँ मम्मी पापा से बातें करते हुए जाते हैं मतलब मस्ती करते जाते हैं फैमिली टाइम भी मिलता है। और हम मतलब जब आते हैं स्कूल से लेते हुए आते हैं तो कभी कभार हम बाहर खाना भी खा लेते हैं है ना भाई? हाँ मतलब जंक फूड खा लेते हैं कभी कभी वो भी महीने में एक बार या दो महीने में एक बार है ना इससे ज्यादा तो नहीं होता बट बहुत इंजॉय करते हैं है ना मजे ही मजे होते हैं हमारे फ्रेंड्स। तो चलो गजब स्कूल में ध्वनि की असेंबली है तो सारे बच्चे पार्टी ध्वनि को ऑल द बेस्ट बोलो मैं भी ध्वनि को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ ऑल द बेस्ट। तो अच्छे से असेंबली करना ओके
बाय बेटा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने बच्चों को ड्रॉप कर दिया है, बहुत अच्छी सुबह रही क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से चले गए। तो बच्चों को हम स्कूल छोड़ देते हैं, इतना रिलैक्स फील होता है क्योंकि सुबह 5 बजे से ना रेल बन जाती है, ये करो वो करो, नहाओ धो टूथब्रश करो फटाफट, देखा कपड़े पहनो, प्रेस नहीं हुए कभी कपड़े, इतनी सारी टेंशन हो जाती है फ्रेंड। yes, मतलब कभी इतना... उनका प्रोजेक्ट का सामान रह जाता है, मम्मी आज तो ये ले जाना था, मतलब सुबह सुबह याद आता है। धोनी का तो कई बार ये रहता है, मम्मी मैं आज संतरा नहीं लेके जाऊंगी, आज मुझे अंगूर चाहिए। फिर सुबह सुबह फ्रूट वाली दुकान ढूंढो और उसके लिए वो वाला और फ्रेंड दुकान तो ढूंढ भी लो, उसके बाद खुले पैसे, सुबह सुबह खुले पैसे, वरना फिर पेटीएम करो। पेटीएम जिंदाबाद। तो कोई नहीं, बहुत अच्छे से बच्चे चले गए, आज धोनी के फैमिली भी है तो अच्छे से वो एंजॉय करेगी, आज लंच भी बच्चे एंजॉय करेंगे क्योंकि मैंने अच्छा अच्छा भरा है लंच बॉक्स। बट घर आके ये तो नहीं बोली मम्मी ये क्या रख दिया था इस तो मैं काम करना, आज ना तुम लंच में ना घिया की सब्जी बना लेना, उनका जो ब्रेकफास्ट का इतना अच्छा मूड है वो सब ड्रॉप हो जाएगा। लंच भी बता गए हैं मुझे कि मेरे को भिंडी और रायता बनाना है। भिंडी और रायता चलो सही है, अच्छी वेजिटेबल है, हेल्दी। मैंने कहा था हेल्दी फूड मिलेगा लंच में तो बता जाओ, तो उन्होंने कहा भिंडी बना लो, भिंडी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर किड्स क्योंकि सारे बच्चों को ही भिंडी पसंद होती होगी। तो चलो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, वी होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो जल्दी से क्लिक करके देखो।